बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्यूटी हाउस ऑफिशियल। व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह करे ठीक ठाक हों, खैरियत से हों और बहुत खुश भी हों। तो चलिए व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी जो है एक कुर्ती कटिंग बता रही हूँ। आजकल जैसा कि आपको मालूम है, नीचे से बहुत ज़्यादा घूम वाली जो है कुर्तीज जो है फ्रॉक स्टाइल में जो है वो चल रही है। ये मैं फ्रॉक स्टाइल की एक कुर्ती बता रही हूँ। तकरीबन 10 साल की बेबी की जो है ये कुर्ती कटिंग है, जिसके लिए जो ये अर्ज है, ये देखें कि कपड़ा हमारे पास कम है। ये मैंने लेंथ ले ली है, इसकी लेंथ तकरीबन हमने ली है 37 इंचीज इसकी हमने लेंथ ली है। और तकरीबन ये इसका जो अर्ज है वो मैं आपको बता दूं कि ये अर्ज इतना है 27-28 इंचीज जो है इसका अर्ज है। लेकिन हमें जो घूम है वो हमें ज्यादा करने हैं। वो किस तरीके से करेंगे हम कटिंग, ये मैं आपको बता दूं। आगे से हम फ्रंट से जो है हम स्लिट खोलेंगे पूरा। और ये दो चीजें मैं आपको बता दूं कि एक तो आप इंची टेप से नाप लेते हैं और एक जो है हम अपनी किसी भी कुर्ती से, जो कुर्ती नाप की हो हम उससे नाप लेते हैं। मैं कुर्ती का नाप बताऊंगी मैं आपको। ये देखें, इस तरह से जो है हमें नाप लेना है। ये फ्रंट है तो फ्रंट से हमें तकरीबन जो है एक उंगल ज्यादा लेना होगा और हम यहाँ से इस तरह से नापेंगे। ये देखें, ये यहाँ से इतना छोड़कर जो है हम, ये देखें यहाँ से शोल्डर कटेगा तो हम इतना लेंगे। और ये चीज़ हमें यहाँ से देखनी है, यहाँ से कितनी रखनी है हमें, इस जगह से इतनी लूज रखनी है, ठीक है। एक साइड से हमने इस तरह नाप लिया है और दूसरा आप और से देखिएगा, बहुत ही आसान मैं बता रही हूँ। दूसरी चीज जो है हम यहाँ से जो है लेंगे, इस ये बराबर रखेंगे, ये फ्रंट है हमारा जो है ओपन रहेगा और यहाँ से हम पकड़ेंगे। तकरीबन ये वाली चीज हमारी इस तरह है तो हम यहाँ से इस तरह पकड़ेंगे। ये तकरीबन हमारी तकरीबन ऊपर से हमने रखी है 9 इंची, क्योंकि हमारी यहाँ की जो चौड़ाई है तो वो ज्यादा है, तो ऊपर से हमने यहाँ से इस तरह पकड़ेंगे, इस जगह से इस तरह से, यूं देखिए देखिए, और इस तरह से जो है हम दूसरी साइड पर ये चीज लेकर आएंगे और यहाँ रखेंगे। यहाँ से हमें तकरीबन 1 इंचीज जो है हमने अंदर फोल्ड करना है इतना, और इससे जो फ्रंट से हमें स्लिट खोलना है और यहाँ से हमें ये निशान लगा लेना है यहाँ पर। ये देखिए, यहां से हमने बराबर रख लिया है 1 इंच जो है फ्रंट से लिफ्ट खोलेंगे तो वो हमने ज्यादा रखा है। यहां से इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह से हम ये कटिंग करेंगे। ये देखें, इससे जो है घूम ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल बराबर रख लीजिए। आपका ये देखिए, यहां से हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम ये वाली चीज जो है नीचे रखेंगे जहां से बंद है। ये फ्रंट जो है, सॉरी, जो हम स्लिट खोलेंगे वो नीचे रखेंगे। ये स्लिट खुला हुआ है, फ्रंट का जो पीस है तो
कर देंगे। ये देखें ये सेट हो गया है हमारा। अब इसके रूम आप देखिएगा, अगर अब हम चाहें तो यहाँ पर और भी कपड़ा डाल सकते हैं, अगर जो हम स्लीव्स बनाएंगे उसके साइड से निकलेगा तो। ये तकरीबन 38 इंचेस जो है हमारी चौड़ाई इसकी हो गई है, 38 इंचेस जो है घूम बन गए हैं। अब हम ऊपर से शोल्डर कटिंग करेंगे। तकरीबन हम शोल्डर, अगर आपने बैन वाला नेक बनाना है तो हम ज़्यादा रखेंगे हाफ इंचेस, अगर हमें बैन वाला नहीं बनाना तो हम 6 इंचेस जो है, 5.5 इंचेस जो है हम इसके शोल्डर रखेंगे। इस तरह से आप कटिंग करेंगे और यहाँ से हम तकरीबन 8 इंचेस जो है हम यहाँ से रखेंगे। ये कटिंग करेंगे। अब इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से हम रखेंगे तकरीबन 6 इंचेस, हम ये इस तरह रखेंगे 6 इंचेस जो है हम रखेंगे यहाँ से। अच्छा, ये दो तरीके से जो है मैं कटिंग बताऊंगी आपको। दो तरह की कटिंग बता रही हूँ, एक तो आप यहाँ से इस तरह कटिंग करेंगे यहाँ आ जाएगी और यहाँ से हम कटिंग करेंगे, दूसरी कटिंग दूसरा ये कि हम इसी तरह भी रख सकते हैं फुल लूज और यहाँ पर हम इलास्टिक डाल सकते हैं या डोरी डालकर जो है हम इस तरह से यहाँ पर डोरी बना सकते हैं। ये दो तरीके मैंने बता दिए हैं आपको। और हम पहले फ्रंट की भी, जो फ्रंट पीस है उसकी भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब ये बता दूं मैं आपको, थोड़ी सी हम यहां से जो है कटिंग करेंगे। तकरीबन 3 इंचेस हम यहां से लेंगे और यहां से हल्की सी राउंड में कटिंग कर देंगे वरना कोने लटकेंगे। आपने कमर कितनी रखनी है, तकरीबन हम यहां से जो है 13 इंचेस जो है हमारी कमर आएगी ये चीज यहां से, ठीक है। और फिर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए किस तरह कटिंग कर रही हूं मैं, हम थोड़ी ये देखें हमारी कुर्ती कटिंग हो गई है और ये बहुत खूबसूरत इसकी जो है फिनिशिंग आएगी, आप गला जैसा चाहे बनाएं। और दूसरी एक चीज और मैं आपको बताती चलूं, ये हमारा फ्रंट है और इसकी जो घूम है वो ज्यादा हो गए हैं और इस तरह से कुछ, ये देखें हमारे गून है और ये इस तरह से कुछ हमारी फिटिंग जो है इस तरह से होगी। ये देखें, अगर आपको 2-3 आइडियाज दे दूं मैं इसके साथ ही, आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं इस तरीके से। नीचे दामन में लगा सकते हैं आप इस तरह से राउंड शेप में जो है थोड़ी सी इस तरह से यहां से, इस तरह से थोड़ी सी राउंड में जो शेप आती है वो आप इस तरह से ये लेस लगा सकते हैं या सीधी कलियों की तरह लगा सकते हैं, स्लीव्स में लगा सकते हैं, दामन में लगा सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे आइडियाज है। तो ये हमारी कुर्ती कटिंग की स्लीव्स भी मैं आपको बता दूं।
बेल्ट स्लीव कटिंग मैं बता रही हूँ आपको, तकरीबन ये कपड़ा जो है कम है हमारा, तो हमने आस्तीन जो है थोड़ी सी बड़ी बनानी है। तो पहले सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे और चौड़ाई ले लेंगे जितनी भी रखनी है हमें। हम बेल स्लीव्स बनाएंगे, यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, तकरीबन हम 3.5 इंच जो है हम यहाँ से रखेंगे। ये जो हमारा कपड़ा बचा है हमारा, ये देखें बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान जो है वो बता रही हूँ, जो आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। इस तरह रख लें या इस तरह रख लें, जो भी आपको सही लगे। इस तरह ये देखिए, और इस तरह रखेंगे हम, ये जितनी बड़ी है, और इस तरह रखेंगे। ये देखें हमारी बिल्कुल राउंड में कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हमने जितनी फिटिंग रखनी है वो हिसाब से रखेंगे हम। ये देखें, चाहे तो इस तरह भी आप कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से जो है हमारी बेल स्लीव कटिंग हो गई है। मैं ये जल्दी बता मीन्स कि बहुत जल्दी काम हो जाता है ये, अगर हम करने वाले हों तो। ये हमारी दो स्लीव हैं, सिलाई करने के बाद जो है हम यहाँ से इस तरह लगा लेंगे और इसमें ये लेस लगाएंगे इस तरह से। और आप चाहें तो यहाँ पर 2 या 3 इस तरह भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी हमारी कटिंग। तो ये इसकी लेंथ बता दूँ मैं आपको,